वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण से, स्कंद 9 है, अध्याय क्रमांक 10। अध्याय शीर्षक भगवान रामचंद्र की लीलाएं, व श्लोक क्रमांक 8। या सत्ते पाश परिवीत पित्तु निदेशम स्त्रेणस्य चापि शिरसा जग्रे सभारया राज्यम श्रियम प्रनीना सुहृदा निवासं त्यक्त्वा ययो वनम् असुन इव मुक्त संग या सत्य पाश परिवीत पितृनिदेशम। स्त्री स्त्रीणस्य चापि शिरसा जग्रे सभारया राज्यम श्रियम प्रणीन सुहृदो निवासम त्यक्त्वा ययो वनम सुनीव मुक्त संग। या सत्य पाश परिवीत पितृनिदेशम। स्त्री अनस्य चापि शिरसा जग्रे सभारया राज्यम श्रियं प्रणीन सुहृदो निवासम त्यक्त्वा ययो वनमासून इव मुक्त संगा। या सत्य पाश परिवीत पितृनिदेशम। स्त्रियनस्य चापि शिरसा जग्रे सभारया राज्यम श्रियम् प्रणीन सुहृदो निवासम त्यक्त्वा ययो वनम सुनीव मुक्त संग। शब्दार्थ या जो रामचंद्र सत्य पाश परिवीत पितु अपने पिता का जो अपनी पत्नी को दिए गए वचन से बंधे थे, निदेशम आदेश स्त्री अनस्या स्त्री अनुरक्त चा भी
अपि निसंदेह शिरसा सिर पर जग्रे स्वीकार किया सभार्या अपनी पत्नी सहित राज्यम राज्य श्रियम ऐश्वर्य प्रणयीना संबंधी जन सुहृदः मंत्रीगण निवासम निवास त्यक्त्वा त्याग कर ययो चले गए वनम वन को आसुना प्राण इवा सदृश मुक्त संग मुक्त जीव। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अपनी पत्नी को दिए गए वचनों से बंधे पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य ऐश्वर्य मित्र शुभ चिंतक निवास तथा अन्य सभी कुछ त्याग दिया। जिस तरह मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है, तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तात्पर्य, महाराज दशरथ की तीन पत्नियां थीं, इनमें से कैकेयी ने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था। अतएव उन्होंने कैकेयी वर देना चाहा था, किंतु कैकेयी ने कहा था कि उपयुक्त अवसर पर वर वह मांग लेगी। फलतः रामचंद्र जी के राज्य राज तिलक के अवसर पर कैकेयी ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन और रामचंद्र को वनवास दे दे। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ ने अपनी प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस प्रकार कोई मुक्त आत्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्या मनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयीं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीव सावदैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वललिता श्रीविशाखानिभृतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधिकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरि पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर श्री व्यासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण। सभी आए भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस विशेष दिन में, श्री रामनवमी के इस महापर्व में, जिस दिन त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए, अपने निजी धाम साकेत को त्याग इस भौतिक जगत में आए, तो भगवान के 6 ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य वैराग्य भी पराशर ऋषि जी विष्णु पुराण में बताते हैं। और भगवान रामचंद्र जी वैराग्य के ऐश्वर्य का जो उसको धारण वो उसको उसका जो त्याग है वो बड़ी अपनी लीलाओं के अंदर प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम में रामचंद्र जी के लिए संक्षिप्त विवरण दिया है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनके विषय में बहुत जानकारी जो है रामायण में पहले से ही उपस्थित है, तो इसलिए मैं इस विषय में अधिक बोलने में समय नहीं लगाऊंगा। तो इन महान भक्तों के जीवन में विशेषता दिखती है कि इनके बीच में कोई प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखा है तो फिर मैं क्यों रामायण के विषय में अधिक बोलूं, सिर्फ भगवान के अवतारों का विवरण दे रहे हैं तो इसलिए उतना ही संक्षिप्त विवरण रखते हैं, लेकिन कृष्ण के विषय में कहीं अधिक उपस्थित नहीं था, तो कृष्ण लीला के विषय में बहुत विस्तार से 10वें स्कंद में देते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया कि ये विषय है उनका जो कि द्वेष मुक्त है, निर्मत्सराणाम सताम। ये निर्मत्सरा यानी कि जो द्वेष मुक्त है ये उनका विषय है, जिन्हें द्वेष नहीं है वो इस विषय को कह पाएंगे, समझ पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे। और सुखदेव गोस्वामी स्वयं अपने आप में एक ऐसे वक्ता हैं जो कि बड़े उत्साही हैं भगवान के सभी अवतारों का गुणगान करने के लिए। तो गुणगान करने के लिए उत्साह व गुणगान सुनने के लिए उत्साह, ये दोनों ही उत्साह एक साधक के अंदर हमेशा होने चाहिए। साधना भक्ति की सिद्धि दोनों प्रकार के उत्साहों को धारण करने से होगी, कि कितना श्रवण के प्रति हमारे हृदय में उत्साह है और कितना भगवान का गुणगान करने के लिए हमारे हृदय में उत्साह है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसीलिए जब एकादशी के दिन अपने मठ में उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी निर्जल उपवास कर कर बैठे हैं और कोई भी प्रचार के लिए बाहर नहीं जा रहा है, तो महाराज ने कहा क्यों नहीं जा रहे हो? बोला महाराज एकादशी है। तो महाराज ने कुक को बुलाकर कहा आज फीस्ट बनाओ। तो कुक ने कहा महाराज लेकिन एकादशी है, आज फीस्ट कैसे बनाए? तो भक्ति चतुर्थी महाराज ने कहा कृष्ण का गुणगान अगर हमारे शरीर के उपवास से रुकता है तो फिर ऐसे उपवास का लाभ क्या? इन्हें आचार्य कहते हैं, जो हमारे स्टीरियोटाइप समझते हैं, रूढ़िवादी विचारधाराओं से परे जाके भक्ति को बद्ध जीवों के हृदयों के अंदर स्थापित कर देते हैं, इन्हें आचार्य कहा जाता है। इसीलिए इन आचार्यों की लीलाओं को या इनकी वाणी को समझना भी आसान नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि एक पियानो टीचर का एग्जाम्पल देते थे, कि पियानो टीचर के पास एक स्टूडेंट आया, दो स्टूडेंट आए, एक विद्यार्थी को पियानो बिल्कुल नहीं आता था, दूसरा विद्यार्थी कुछ जानता था। तो जो बिल्कुल नहीं जानता था तो टीचर ने कहा तुमसे मैं जो है 500 रुपया प्रति घंटा लूंगा, लेकिन जो जानता था उसको बोला 1000 रुपया लूंगा पर आवर। उसने कहा मुझे तो आता है, हाँ मुझ पे कम मेहनत करना पड़ेगा। बोला नहीं तुम पे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो कचरा लेकर आए वो बुलवाने में तुम पहले मदद करना पड़ेगा। तो वही है भारत देश में जो है धर्म का प्रचार कठिन क्यों है, क्योंकि हम सबके जो स्टीरियोटाइप्ड आइडियाज हैं इसको इनसे परे ले जाकर
एक व्यक्ति को भक्ति का विधिवत शिक्षा देना इतना इजी नहीं है। फॉरेन में इजी क्यों है? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उनको सीधा सीधा सिखाना बहुत आसान होता है। लेकिन हम इतना अपना बैगेज लेकर आए होते हैं, वो बैगेज हमारे लिए इतने संदेह प्रस्तुत करता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो हमारे लिए आचार्य महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए हमारे ओपिनियंस महत्वपूर्ण है, हमारी फॉल्स ईगो इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आचार्यों की वाणी को एज इट इज एक्सेप्ट करना। तो भक्ति इजी है, इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज। इसका मतलब क्या है, लीव ऑल योर ओपिनियंस। तुम्हारे ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारे ओपिनियंस इतने मूल्यवान होते तो तुम इस संसार के अंदर रुल नहीं रहे होते अभी तक। प्रभुपाद कहते हैं वी ऑल आर रॉटिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, सड़ रहे हैं हम इस संसार में। तो हमारे ओपिनियंस की वजह से हम सड़ते रहे जन्म जन्मांतरों के, और फिर वही ओपिनियंस लेकर हम बैठे। तो इसीलिए श्रवण और कीर्तन निर्मत्सराओं के लिए बना है, द्वेष मुक्त होना। इन फिल्टर्स को हटाकर जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, तब ये सीधा ये नात्मा सुप्रसिद्धति जीव को प्रसन्नता की ओर लेकर जाता है। कैसे रामानुजाचार्य, जो कि राम के अनुज हैं, लक्ष्मण जी के अवतार, तो स्वयं रामानुजाचार्य रामायण सुनते थे श्री शैलपूर्ण से। श्री शैलपूर्ण उनके एक शिक्षा गुरु हैं, और रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी हैं स्वयं। तो लक्ष्मण जी स्वयं जिन लीलाओं में थे, उन लीलाओं को सुनने में आनंद ले रहे थे। रामानुज भगवान राम के विषय में सुनने में उत्साहित, जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कृष्ण के विषय में, कृष्ण तत्व के विषय में सुनने के लिए उत्साहित थे। तो स्वयं भगवान इन कथाओं का सुनने के लिए कितना उत्साह रखते हैं। तो इसीलिए साधु संघ में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कृष्ण के विषय में सुनना, प्रजल्प करना। साधु संघ में ये साधु संघ नहीं होता, हम साधु संघ में आके प्रजल्प करते हैं, है ना। हमें चाहिए होते हैं लोग, चाहिए लोग क्यों चाहिए, गॉसिप कैसे करेंगे अकेले। गॉसिप करने के लिए वी नीड पीपल अराउंड, प्रजल्प करने के लिए हमें लोग चाहिए, है ना, अकेले थोड़ी कर पाएंगे। तो इसीलिए पर साधु संघ का मतलब है जहां पर कृष्ण का गुणगान सुना जाए, कृष्ण का गुणगान किया जाए। तो परीक्षित महाराज जो थे, जब उन्होंने कृष्ण को अपने माँ के गर्भ में देखा, तो इसीलिए कृष्ण कथा सुनने के लिए इतनी तीव्रता थी कि मृत्यु 7 दिन बाद आने वाली है उसकी भी परवाह नहीं थी उनको, क्योंकि कृष्ण के विषय में सुनने के लिए इतना उत्साह था। तो उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र, जो कि परम भगवान है, वही केशव द्रीता राम शरीर जय जगदीश हरे। तो वही केशव जब भगवान राम का अवतरण लेकर हमारे बीच में आते हैं, वो परम भगवान, और उनकी ये जो अद्भुत लीलाएं हैं। तो इसलिए प्रभुपाद एक प्रिंसिपल प्रेजेंट करते हैं कि भगवान को उनके भक्तों से अलग कर कर अगर आप समझोगे तो भगवान को नहीं समझ पाओगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप कृष्ण को, भगवान को जानना चाहते हो तो हमें उनके भक्तों के माध्यम से उन्हें समझना होगा और उनके भक्तों की लीलाओं से। इसीलिए भगवान जहाँ आएंगे वहां उनके भक्तों का गुणगान आएगा कि कैसे भगवान है, कि उनके भक्त उनके लिए क्या क्या नहीं करने को तैयार। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र ऋषि के द्वारा ले जाए गए खर दूषण व अन्य असुरों का विनाश करने के लिए, असुरों को मारना तो एक बहाना था, लेकिन मुख्य बात तो भगवान का साधु नाम अपने भक्तों के साथ अपनी प्रेम लीलाओं को प्रस्तुत करना। तो जब भगवान श्री रामचंद्र ने अहिल्या का उद्धार किया, तो विश्वामित्र ऋषि जब उन्हें मिथिला लेकर गए थे, तो मिथिला इतनी सुंदर थी, लेकिन मिथिला में एक स्थान निर्जन था, बड़ा तामसिक था, सब कुछ बिखरा हुआ, उजड़ा हुआ, टूटा फूटा, तमोगुण हर जगह व्याप्त था। आजकल ऐसा होना फैशन है, ऐसा डेकोरेट किया जाता है इस तरह से।
ना, कलयुग मतलब जैसे बढ़ता है तो तमोगुण फैशन बन जाता है। तो पूरी मिथिला में सतोगुण था, सात्विकता थी, लेकिन एक स्थान तामसिक था, तो भगवान राम उधर ही देखे जा रहे थे। तो विश्वामित्र ऋषि कहते हैं भगवान आप उद्धार करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं उद्धार नहीं, मैं उधार चुकाने आया हूं। तो विश्वामित्र ऋषि कहते हैं पर ज्ञानी का तो कोई संसार में लेना देना नहीं होता, तो फिर कैसा उधार आपका? ज्ञानियों को इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता, तो फिर आपका उधार कैसा? तो भगवान कहते हैं लेकिन भक्तों से लेना देना होता है। तो भगवान भक्तों से ही लेते हैं और भक्तों को ही देते हैं, उनका संसार के लोगों से ना कोई लेना है ना कोई देना है, उन्हें संसार के लोगों से ना कुछ चाहिए ना उनसे डील करना चाहते। तो भगवान सिर्फ भक्तों से ही लेना देना करते हैं अपना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया, तो अहिल्या का उद्धार किया, पत्थर से अहिल्या को स्त्री बना दिया। और जब अहिल्या का उद्धार किया तो भगवान ने अपने चरण जब उस अहिल्या बनी पत्थर की ओर ले जा रहे थे, तो चरणों में जो रज थी, तो वो रज कण जब उस पत्थर पे गिरे तो तभी वो पत्थर अहिल्या बन गए। तो भगवान को चरण स्पर्श भी नहीं करना पड़ा, उनके रज कणों से ही अहिल्या का उद्धार हो गया। तो अहिल्या ने कहा भगवान आपके रज हमारे जीवन के रज को, हमारे जीवन में रजोगुण है ना, तो हमारे जीवन के रज को समाप्त करने के लिए आपके चरणों की रज ही आवश्यक है एकमात्र। तो हमारा रजोगुण भगवान के चरण कमलों के कि रज के को प्राप्त किए बगैर नहीं जा सकता, और वो जो रज है भगवान के चरण कमलों की, वो भगवान की सेवा से प्राप्त होती है। इसीलिए सेवन मुखे ही जिह्वा दो, भगवान की सेवा इतनी आवश्यक है। तो अहिल्या के उद्धार का समाचार चारों दिशाओं में फैल गया कि कैसे भगवान रामचंद्र जी ने पत्थर को स्त्री बना दिया। अहिल्या का उद्धार करके जब भगवान नदी के तट पर पहुंचे सीता स्वयंवर के उपरांत, तो नदी पार करने के लिए केवट था। अब ये केवट को ये सूचना मिल चुकी थी कि भगवान ने क्या किया है, इन्होंने अपने चरण स्पर्श करके एक पत्थर को स्त्री बना दिया। तो जब भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी केवट के पास नदी में के किनारे पहुंचे, तो केवट ने कहा भगवान आपके अवतरण का सार मैं अब तक समझ चुका हूं कि आप क्यों अवतरित हैं। तो लक्ष्मण जी हैरान हुए, मुझे समझ में नहीं आया, इसे कहां से समझ में आ गया? अनंत शेष हजारों फनों से भगवान का गुणगान असीमित समय से कर रहे हैं और वो गुणगान खत्म नहीं हो रहा, और वो अनंत शेष लक्ष्मण ही तो हैं, बलराम, संकर्षण, अनंत शेष, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी कहते हैं इस केवट को समझ में आ गया भगवान के अवतरण का सार, ये इतना समझदार निकला और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे इसको समझ में आ रही है बात। तो फिर केवट से प्रश्न किया, कैसे समझ गए हो तुम भगवान के अवतरण का सार, क्या सार समझे हो तुम? तो केवट ने कहा मैं समझ गया हूं एक लीला से इनकी, कैसे पत्थर से इन्होंने स्त्री बनाया है, इन्होंने एक पत्थर को स्त्री बना दिया, मैं समझ गया अब ये मेरी नौका को स्त्री बनाने आ गए हैं, यहां इनके चरण जहां पड़ेंगे वो स्त्री बन जाएगा। तो इनकी चरणों ने पत्थर को स्त्री बनाया, अब ये मेरी नौका को स्त्री बनाएंगे, मैं समझ गया इनका अवतरण किस लिए हुआ है। तो केवट भगवान राम से, उनका यहां पर काफी जो है चर्चा आती है बड़ी सुंदर, जिसमें एक भक्त और भगवान के प्रेम का बड़ा सुंदर प्रदर्शन आता है। तो भगवान राम कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, कि तुम्हें स्त्री नहीं चाहिए क्या? तो केवट ने कहा मेरे पास ऑलरेडी है, क्या मैं उसी का खर्चा नहीं चला पाता,
एक और आ जाएगी तो मैं, मुझे बड़ा डर है, आपको मैं यात्री नहीं बना सकता, मैं आपको यात्री बनाने से डर रहा हूं। तो केवट और भगवान राम की सुंदर चर्चा यहाँ प्रारंभ होती है। तो केवट ने कहा कि देखो भगवान, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये नदी पार कराऊं तो आपको कुछ समझौता करना पड़ेगा मेरे साथ। तो यहां पर एक बिजनेस डील होती है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक व्यापार तय होता है। क्योंकि केवट ने देखा भगवान राम जो है आए नदी पार करने के लिए, तो भगवान राम ने कहा कि देखो तुम कह रहे हो कि यहां पर जो है तुम व्यापार करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे अलावा और कोई कस्टमर ही नहीं है, मैं अकेला ही खड़ा हूं यहां पे, मेरे अलावा तो यहां कोई है नहीं। तो केवट ने कहा कि नहीं है, आप नहीं देख पा रहे उनको, या और भी लोग हैं। तो केवट कहता है कि जब तक मैं आपके चरणों को धो ना डालूं तब तक मैं आपको अपनी नौका में चढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा, मुझे आपके चरणों को अभिषेक करने के लिए आप पहले अनुमति दें। जैसे आपने पत्थर को स्त्री बना के गौतम ऋषि को भेंट किया, अहिल्या पत्नी थी गौतम ऋषि की, मुझे लगता है आप किसी और ऋषि को भी कुछ वायदा कर कर आए हो एक स्त्री देने के लिए, इसलिए मेरे पास आ गए हो बाप। लगता है ऋषि लोग अकेले हैं, उनको आप स्त्रियां देना चाहते हो एक एक, तो आपने गौतम ऋषि को अहिल्या दे दिया, अब मुझे मुझे लगता है किसी और ऋषि को भी आपको स्त्री देना चाहते हो, इसलिए आप मेरे पास आए हो नौका को स्त्री बनाने के लिए, यही लगता है कारण है आपके यहाँ आने का। तो केवट कहते हैं अगर आप मुझे जो मैं चाहता हूं करने देंगे तो मैं आपके पिता की कसम खाता हूं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता है, हमारे पिता की कसम क्यों खा रही है, बड़ी अटपटी बात है ना कि कोई व्यक्ति कहता है मैं अपने पिता की कसम खाता हूं, लेकिन केवट कहता है मैं आपके पिता की कसम खाता हूं। तो लक्ष्मण जी गुस्से में आग बुलबुले होते जा रहे हैं, क्या बोल रहा है, अटपटी बातें, क्या होश में है, ये कैसी बातें कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आचार्य कहते हैं केवट इस तरह से भगवान के साथ विनोद क्यों कर रहे थे, तो केवट को याद आ रहा था वो घटना जब भगवान राम सुमंत्र को वापस जाने के लिए कहते हैं। क्योंकि जब भगवान राम ने अयोध्या को त्यागा, जैसा कि शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दशरथ महाराज के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान राम ने अपने राज्य को, अपने सब कुछ को त्याग दिया और सीता और लक्ष्मण सहित वन में आ गए, तो जब अयोध्या को त्याग कर भगवान राम आ रहे थे वन में, तो उस समय पूरी अयोध्या भगवान राम के पीछे चल रही थी, ये कहते हुए कि जहां राम रहेंगे वहीं अयोध्या है, भरत मंथरा और कैकेयी को अकेले अयोध्या में रहने दो, वहां कोई नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, उनको भोगने दो वो शासन, हम सब वहां रहेंगे जहां राम है, और वो राम जी को छोड़ ही नहीं रहे थे। तो सुमंत्र जो है रथ पर लेकर आए थे और रथ आगे चल रहा था, तो सब के सब अयोध्या वासी पीछे पीछे चल रहे थे। तो रात्रि में जब वो एक जगह विश्राम करते हैं एक नदी के किनारे, तो आधी रात को भगवान राम सीता लक्ष्मण जो है वो उस जगह को त्याग कर चले जाते हैं, उन्हें पता है कि जब तक हम भागेंगे नहीं यहां से ये छोड़ने वाले नहीं है। और उस समय भगवान राम की आंखों में आंसू थे, जब भगवान अयोध्या वासियों को अर्धरात्रि में धोखा देकर भाग रहे थे, उन्हें बिना बताए जा रहे थे क्योंकि वो उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे, तब भगवान राम की आंखों में आंसू थे। उस समय वो सुमंत्र को विदा कर रहे थे और उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, और तब से लेकर आज तक भगवान राम मुस्कुराए नहीं थे, वो इस घटना को भूले नहीं थे। और केवट को ये बात याद थी कि भगवान राम जो है वो खुश नहीं है अयोध्या त्याग के, अयोध्या वासियों को त्याग के, और केवट अपनी बातों से भगवान राम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता था, इसीलिए वो ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था ताकि भगवान राम हंसे, वो मुस्कुराए। ये एक सेवक का काम है, प्रभुपाद जी कहते हैं
कि स्वामी के चेहरे पर मुस्कुराहट को लेकर आने वाले को सेवक कहते हैं, ये नहीं कि वो स्वामी के चेहरे पर नाराजगी लेकर आए। तो हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि हम अपने गुरु को, अपनी गुरु परंपरा को, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उनकी प्रसन्नता के कारण बने, उनकी स्माइल के कारण बने, उनकी मुस्कुराहट के कारण बने, उनके गर्व के कारण बने, ना कि उनके क्रोध के कारण बने, उनके श्राप के कारण बने। तो हमें जीवन इस तरह से जीना चाहिए, यही एक शिष्य होने का अधिकार है। तो केवट कितना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं भगवान राम नौका में बैठे, लेकिन फिर भी केवट भगवान के सामने ऐसी ऐसी शर्तें प्रस्तुत करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि भगवान राम मुस्कुराने लग जाते हैं। और यही केवट चाहते थे कि भगवान स्माइल करें, भगवान मुस्कुराएं, क्योंकि उस दिन से लेके आज तक भगवान राम के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा दुखी है जब वो अपने भक्तों से अलग होते हैं। इसीलिए तो जब जय विजय को चार कुमारों ने आके श्राप दिया कि जाओ तुमको मृत्यु लोक में होना चाहिए, तुम कैसे वैकुंठ में आ गए, तो भगवान जो है वो गरुड़ के साथ दौड़ते हुए बाहर आए इस झगड़े में हस्तक्षेप करने के लिए, और कहते हैं कि देखो मेरे सेवकों ने गलती करी तो मेरी गलती है, मैंने उन्हें ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया होगा, श्राप उनको नहीं तो मुझको दो। और भगवान वहां अपने भक्तों का, ब्राह्मणों का बहुत गुणगान करते हैं, और चार कुमार लज्जित हो जाते हैं ये सुन के कि भगवान हमको सुना रहे हैं या हमें हमें क्या कर क्या रहे हैं, या हमें गुणगान बता रहे हैं कि हमको कटाक्ष कर रहे हैं ये। तो चार कुमार कहते हैं भगवान आप हमको क्या, हमको कटाक्ष कर रहे हो इन बातों से, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप स्पष्ट कहिए। तो इतना भगवान वहां पर भक्तों का गुणगान करते हैं। तो ये संबंध है भगवान का अपने भक्त के साथ, क्योंकि भक्त भगवान के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है, ऐसा नहीं कि वो भगवान को ही त्यागने को तैयार हो जाए। तो भौतिक जगत में तो हालत ये होती है कि हमारे जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, हम भगवान को ही त्याग देते हैं, उनकी सेवा को ही त्याग देते हैं, उनकी भक्ति को ही त्याग देते हैं। लेकिन ये जो भक्त हैं ये बड़े अद्भुत हैं, और इसीलिए इन भक्तों का गुणगान सुनेंगे तो समझ में आएगा कि भक्ति का स्टैंडर्ड होना क्या चाहिए, भक्ति का व्यवहार क्या होना चाहिए। पांच रसों में जो भक्ति की चर्चा की जाती है, वो अलग अलग रसों का रसपान ये भक्त व भगवान किस प्रकार से इन मधुर लीलाओं में करते हैं। और इसीलिए भगवान के लिए रावण को मारना कोई मुश्किल नहीं था, असुरों को मारना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन भगवान इन भक्तों के साथ जो इन लीलाओं के अंदर, इन संवाद के अंदर प्रवेश करते हैं, ये करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं, ना कि असुरों को मारना उनका मुख्य एजेंडा है। वो तो एक साइड रोल है कि चलो आए हैं तो ये भी करके जाएं, लेकिन मुख्य बात तो उनकी भक्तों के साथ जो उनका व्यवहार है वो मुख्य है। तो इसीलिए जब भगवान उस समय रो रहे थे, जब अयोध्या वासियों को छोड़कर जा रहे थे, तो उनकी आंखों में जो आंसू थे, ये आंसू भी सोच रहे थे कि हमारा कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे भगवान की आंखों को छोड़कर हमें गिरना पड़ रहा है, कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम। तो इसका मतलब वो दुर्भाग्यशाली है जो भगवान की सेवा को त्यागे या उसमें समझौता करे, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई भी नहीं हो सकता। ये आंसू सोच रहे थे कि देखो हमें भगवान की आंखों को छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्या दुर्भाग्य है हमारा। और कुछ आंसू खुश थे, कुछ आंसू खुश थे, क्योंकि वो आंख से गिर के अब गाल में आ गए थे, अब वो आंख से गिर के गाल में आ गए और भगवान के गालों का स्पर्श कर रहे थे, और उन गालों का स्पर्श करने के कारण भगवान के गाल चमकने लगे थे, और उन्हें खुशी हो रही थी कि हम भगवान का सौंदर्य बढ़ा पा रहे हैं, हम भगवान के संत सौंदर्य में सहयोग कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चेतन है, जैसे दूध सोच रहा था कृष्ण तो यशोदा माई का दूध पी रहे हैं, मुझे कौन पिएगा, तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, उबल के बाहर गिरने जा रहा था। तो सब कुछ चेतन है, लेकिन इसीलिए हम सब बड़े अनकॉन्शियस है, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता
भगवान की सेवा हो या ना हो, उचित हो अनुचित हो, कोई जाता नहीं, हमारा काम चलना चाहिए बस, हमारा जीवन यापन चलना चाहिए, वो उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए, भले भगवान की सेवा होती हो या ना हो। तो हम बड़े डेड लोग हैं आध्यात्मिक जगत में, इसीलिए तो नहीं है। क्यों है हम भौतिक जगत में, क्यों नहीं है आध्यात्मिक जगत में? क्योंकि वहां पर आंसू तक सोचता है भगवान की सेवा कैसे की जाए। यहां तो मानव जीवन पाकर हम सोचते हैं कैसे भगवान से सेवा ली जाए, भगवान के फायदे कैसे उठाए जाए, हम तो ये सोचने वाले लोगों में से, इसीलिए तो भौतिक जगत में है हम। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा जब तक छोटी से छोटी इच्छा भी रह जाएगी तो आना पड़ेगा ना इस संसार के अंदर, ऐसी थोड़ी मुक्ति मिल जानी है, फिर से पुनर्जन्म लेना होगा, फिर से मां का गर्भ ग्रहण करना होगा। तो आंसू सोच रहे थे, दुर्भाग्य हमारा भगवान की आंखों को छोड़ के गिरना पड़ रहा है, और दूसरे आंसुओं का समूह सोच रहा था कितना सौभाग्य भगवान के गालों को चमकाने का मौका मिल रहा है। एक और आंसुओं का समूह था जो सीधा नीचे गिर रहा था और वो सोच रहे थे अरे हमारा 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 जो स्तर है वो भगवान की आंखें नहीं है, हमारा स्तर तो भगवान के चरण है, अच्छा हुआ हम नीचे गिरे और चरणों में आ गए सीधा। तो ये आंसुओं का विचार था, ये आंसुओं का मंथन था भगवान की सेवा के लिए, किस किस प्रकार से वो गिर रहे थे, और ये सारी लीला केवट याद कर रहे हैं कि तब से लेकर आज दिन तक भगवान मुस्कुराए नहीं है, मैं कैसे इनके चेहरे पर मुस्कुराहट को लेकर आऊं। और इसीलिए केवट उल्टी सीधी बात करते, बोलते तुम्हारे पिताजी की कसम। और लक्ष्मण जी आग बुलबुले हो रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या 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 रहा है, लेकिन कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे क्योंकि भगवान राम मुस्कुरा रहे थे केवट की बातों को सुन के। और वो कहते हैं लक्ष्मण तुम नहीं समझोगे इसकी बातों को, इसकी बातों में बड़ा तत्व है। भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं इसकी बातों में बड़ा तत्व है, तुम नहीं जानोगे। तो इसीलिए जो व्यक्ति आहार निद्रा में ही जीवन जिए वो क्या तत्व समझेगा, वो तत्व समझते वक्त भी सोएगा ही और क्या करेगा। इसीलिए तत्वदर्शी भी गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी भी, ये ज्ञान तत्वदर्शी से सीखना होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाकर बैठ गए और सुन लिया हमने, हो गया हमारा सुनने का कोटा, तत्वदर्शी भी। और श्रील प्रभुपाद जी तत्वदर्शी हैं जिन्होंने पूरे विश्व को तत्व का दर्शन कराया है। तो प्रभुपाद जी से जिसने भी पूछा कहा स्वामी जी हमें कृष्ण की रासलीला बताओ, प्रभुपाद जी कहते हैं यू मे बी क्वालिफाइड बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक, लेट अस स्पीक कुरुक्षेत्र लीला। ये तत्वदर्शी है जो अनावश्यक श्रेय नहीं लेता, जो योग्यता होने के बाद भी अपनी योग्यता को आंकता नहीं है, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं बिना योग्यता के अपना अधिकार जताते हैं। इसीलिए जब तक तत्वदर्शी से तत्व नहीं सुनेंगे ये जो अहंकार कूट कूट के भरा जाएगा, थोड़ी ऐसे नहीं चला जाता है। ये लगाना होगा इस शरीर को भगवान की सेवा में, अन्यथा ये गर्व क्या है, जैसे भागवतम के दूसरे स्कंद में क्या कहते हैं, कोई डूब रहा हो उसके व्यक्ति के सर पे जाके 10 किलो का सोने का मुकुट पहना दो, बे तू डूब लेकिन देख मुकुट पहन के डूब, कितना अच्छा लगेगा ना, मुकुट पहन के डूबा एक व्यक्ति, फोटो आएगा तेरा अखबार में मुकुट के साथ। तो ये गर्व क्या करता है, वैसे ही हम डूबे पड़े हैं, ये गर्व हमें और डुबोता है। तो माया आ गई ना, छोड़ा नहीं माया ने, माया यही करती है, माया का काम ही है कि भक्तों के संग से हमको दूर के लेके जाना। आप जाओ भक्त के संग से दूर और देखो बाकी काम अपने आप खुद करोगे आप पतन का, कुछ दूसरा नहीं बोलेगा आपको आगे, आपको बस इतना काम करना है आप डिवोटी एसोसिएशन से दूर हो जाओ बस, और फिर देखो अपने आप चीजें होती जाएंगी, फॉल डाउन अपने आप होगा, कब माला छूटेगी कब नियम टूटेंगे कब भक्ति छूटेगी, अपने आप बस समय दिखाता जाएगा दर्शन, आपको बस इतना करना है गो फार फ्रॉम डिवोटीज। तो और माया यही करती है, माया क्या करेगी, भक्तों के संग में आके कला कराएगी, भक्तों में दोष दिखाएगी,
माया का काम ही यही है, वो हमें रहने थोड़ी दे सकती है भक्तों के संग में, अन्यथा हम माया पे विजयी हो जाएंगे और हम जो हैं वो माया के जो हैं क्या बन जाते हैं, कस्टमर, कष्ट खा खा के मरने वाले कस्टमर। तो माया हमें कष्ट दे दे के मारती है और हम माया के कस्टमर बनते हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण जी दोष देख रहे थे केवट में कि क्या बोलता है, लेकिन भगवान राम दोष नहीं देख रहे थे, वो तत्व देख रहे थे उसमें। बोले इसकी बातों में बड़ा तत्व है, तुम इसे नहीं समझ पाओगे, ये बड़े तत्व की बात कहता है। तो केवट कहते हैं भगवान आपके रज में बड़ा खतरा है, नौका में तब चढ़ने दूंगा जब रज को धो लूंगा, क्योंकि इस रज ने पत्थर को स्त्री बनाया था, मेरी नौका स्त्री बन गई तो मेरे पास बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपके रज को धोऊंगा तब आपको नौका में आने दूंगा। अब भगवान राम खुद कैसे कहें कि हां धोले, भगवान राम खुद कैसे कहें, और भगवान राम कहते हैं ठीक है जो आवश्यक है वो करो, लेकिन केवट कहता है स्पष्ट बोलो। भगवान राम कहते जो आवश्यक है करो, भगवान समझ नहीं आ रही आपकी बात, आप स्पष्ट बोलो। तो भगवान राम को बाध्य कर देता है केवट बोलने के लिए, अच्छा तुम मेरे पैर धो लो, ऐसा बोलना पड़ता है भगवान राम। ये भक्त हैं जो भगवान को बांध भी सकते हैं और भगवान से कुछ बुलवा भी सकते हैं, ये भक्त हैं। अगर हम ऐसे भक्तों के भक्त ना बने तो ये जीवन कुछ उपयोगी नहीं है हमारा। शून्यातम सर्वम गोविंद विरहेण में, ये शून्य है लाइफ, जीरो, अगर आप भक्तों के भक्त ना बने। इस जीवन की योग्यता भक्तों के भक्त बनने में है, जो ऐसे भक्त हैं जो भगवान तक को बाध्य कर देते हैं, ये भक्तों की शक्ति है, हम क्या जानेंगे। इसीलिए जो हमारा मार्ग है वो भगवान को जानने का नहीं है, आप गलत फहमी में मत रहना, हमारा मार्ग तो गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासा अनुदास, ये हमारा मार्ग है, फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ गोपीज। और गोपियों का क्या चरण चिन्ह क्या है, वो कृष्ण को नहीं जानना चाहते, वो तो श्रीमती राधा रानी की सेवा करना चाहते। ये हमारा आंदोलन है भक्तों के भक्त बनना, और जितना भक्तों के भक्त बने हैं उतना ही आप भक्ति में आगे बढ़े हैं बस, और जितना नहीं बने हैं उतना अभी भी आप पीछे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो केवट क्या कहते हैं, भगवान स्पष्ट कहिए, बात समझ नहीं आ रही। भगवान राम कहते हैं ठीक है तुम चरण धो सकते हो। केवट कहते हैं भगवान पंक्ति में खड़े हो जाइए, हमारा बिजनेस ऐसे चलता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपसे जो पहले आए पहले उनकी सेवा की जाएगी फिर आपकी सेवा की जाएगी, आप थोड़ा क्यू में है, खड़े हो जाइए, टोकन ले लीजिए, टिकट विंडो से टिकट लीजिए और आप खड़े हो जाइए पहले जो आए हैं। और भगवान राम इधर उधर देख रहे हैं, कोई और तो खड़ा नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो इधर उधर और खड़ा नहीं है। तो भगवान राम कहते लेकिन है कौन मुझसे पहले यहाँ पर जिसको तुम पहले ले जाना चाहते हो। तो केवट कहता है कि भगवान अगर आपने उनको देख लिया तो वो तो मुक्त हो जाएंगे, अगर वो आपको दिखाई पड़ गए वो तो मुक्त हो जाएंगे। ये जो मेरे ग्राहक हैं ये मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे पूर्वज हैं। तो देखो केवट के संस्कार, भगवान राम की सेवा प्रारंभ करने से पूर्व अपने पूर्वजों को याद कर रहा था, इसे संस्कार कहते हैं। इसीलिए तो ऐसा प्रेम था भगवान के प्रति, और भगवान को भी ऐसे केवट के प्रति ऐसा प्रेम था। तो ये जो सम्मान की संस्कृति है ये वैदिक कल्चर में कूट कूट कर भरी है, ये मॉडर्न कल्चर है कि हम यहाँ किसी को कुछ समझते ही नहीं है आज। एक बार क्या हुआ, एक परिवार में एक पिता का देहांत हुआ, तो उसकी माँ ने कहा जा अपने पिता की अस्थियां तो विसर्जन करा, तो बेटा गया और कुछ देर बाद आ गया विसर्जित करके, बोले इतनी जल्दी आ गया तो कहाँ आया, बोला बाहर नाले में डाल दिया। तो माँ कहती है शर्म नहीं आती तेरे को, तूने अपने पिता की अस्थियों को नाले में डाल दिया बाहर, बोला
हाँ इतना टाइम क्या वेस्ट करना, इतनी दूर जाओ, टाइम बड़ा प्रीशियस है, कीमती है। बाहर मैंने विसर्जन करना है, नाले में डाल दिया, नाला जाके नदी में तो मिलता है अल्टीमेटली, तो चले जाएंगी नदी में अपने आप। मैं इतनी दूर जाके टाइम क्यों वेस्ट करूँ। माँ को बड़ा गुस्सा और बड़ा शोक हुआ, कैसा बच्चा मैंने पैदा किया, देखो इसको ये भी नहीं शिक्षा। तो अगले दिन माँ उठी, बोले मेरे को तेरे पिता ने बहुत डांटा, रात को सपने में आए, क्या किया ये इसने, मेरी अस्थियों को विसर्जित करने तक नहीं गया नदी में पवित्र, और जाके नाले में डाला है, नलायक है ये है। तो बोला पिताजी 12 किलोमीटर दूर यहाँ आ गए, 4 किलोमीटर दूर थोड़ा उधर चले जाते तो नदी मिल जाती, वही कनेक्शन था, वो नहर मिलती तो है उधर। तो ये आज का कल्चर है जहां किसी के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसीलिए आज के कल्चर में अगर आप लॉयलिटी निष्ठा शब्द ढूंढोगे तो ये एलियन वर्ड है, ये एलियन वर्ड है, एक्सटिंक्ट हो चुका है लोगों के जीवन से, निष्ठा है ही नहीं कहीं पर। इसीलिए जो रिलेशंस हैं आज टूट चुके हैं, और कोई रिलेशन सैंक्टिफाइड नहीं है आज। जो प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के लिए कर लिया, आज नहीं कर सकते शिष्य लोग अपने गुरु के लिए, वो सोच भी नहीं सकते, सपने में भी कभी वो ऐसा कर पाएंगे, उनके बस की बात नहीं है कर पाना, ना उनके पास भाग्य, ना उनके पास पुण्य, ना उनके पास ये क्षमता, ना ये अधिकार कि वो इस प्रकार से सेवा प्रभुपाद की कर पाए जो उनके शिष्य लोग कर पाए। क्योंकि हम ऐसे डिग्रेडेड कल्चर की जनरेशन है जहां हमें जन्म से ये सिखाया गया है तेरे को बड़ी डिग्री लेनी है, बड़ा पैसा कमाना है, जहां ये जन्म से सिखाया ही नहीं गया कि सम्मान होता क्या है, गुरु का महत्व क्या है, ये हमें सिखाया कहां गया। ये तो प्रभुपाद के अनुयायियों की कृपा है जिन्होंने हमें जानवर से इंसान बनना सिखा दिया, वरना गली के कुत्तों की तरह भटक रहे थे हम लोग। ये हमारी वास्तविक स्थिति है, मारे मारे गले में पट्टे लगा के डिग्रियों के भटक रहे थे इधर उधर, कि ये रोटी देगा या वो रोटी देगा। ये तो प्रभुपाद के अनुयायियों की कृपा है जिन्होंने हमें इंसान बनना सिखाया, और अगर उन अनुयायियों के प्रति हमारा आभार नहीं तो फिर निश्चित रूप से यमदूत सिखाएंगे आभार क्या होता है ऐसे लोगों को। उन्हें यम के दंड ही सिखाने वाले हैं, वो किसी के दंड से नहीं सीखते ऐसे लोग, वो यमराज के दंडों से ही सीखने वाले। तो केवट जी में क्या सम्मान था, केवट जी ने भगवान राम को अपनी नौका में आमंत्रित करने से पहले अपने पूर्वजों को याद किया, और उसके बाद अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को याद किया। और लक्ष्मण जी आग बुलबुले होते जा रहे हैं, सारा दिन खराब कर देगा, पता नहीं कर क्या रहा है ये नौका में आने क्यों नहीं दे रहा। लक्ष्मण जी बार बार क्रोधित होते जा रहे हैं, तो केवट कहते हैं भगवान इंतजार कीजिए, मुझे बर्तन लाने दीजिए आपके चरण को धोने के लिए। तो केवट दौड़ दौड़ के गए, और ऐसा बर्तन लाए जिसमें एक समय में एक ही पैर आ सकता था, दो पैर एक साथ नहीं आ सकते थे, और बर्तन भी लकड़ी का लेकर आए। तो केवट जो थे उन्होंने रखा बर्तन, और भगवान राम को कहा रखिए अपने चरण, और अपना चरण रखा भगवान राम ने, तो उसको धोने लगे जल से, और धोते ही भगवान को कहा आप पैर हटाओ ताकि दूसरा चरण आए, और फटाफट जल पी गया सारे केवट। और जल पीने के बाद बोला फिर से वही पैर वापस लाओ। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ये तो सारा दिन खरी करता रहेगा बैठ के। बोला क्योंकि उसमें फिर से रज लग गई है, आपने मिट्टी में रखा है पैर, उसमें रज लग गई है, वापस लाओ फिर से धोऊंगा मैं उसे। और केवट फिर से वही पैर धोने लगे, और लक्ष्मण जी बार बार क्रोधित हो रहे, भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। तो एक पैर धोते फिर वो वापस जाता, फिर दूसरा पैर धोते फिर वो वापस जाता, तो यही चलता जा रहा था। केवट बार बार चरण धोते जा रहे हैं, तो देवी देवता सोच रहे ये क्या भक्त है कि भगवान को एक पैर पे खड़ा करा दिया इसने। तो क्योंकि एक पैर जो था वो ऊपर था बर्तन के, और एक पैर पे भगवान खड़े थे, ध्रुव महाराज ने तो एक पैर पे तपस्या की थी भगवान को पाने के लिए, यहां भगवान तपस्या कर रहे हैं भक्त को पाने के लिए, एक पैर पे खड़े हो गए। ये भगवान की तपस्या थी भक्त को पाने के लिए, क्योंकि भक्त देखो कैसे भगवान की तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ये रुकने वाला नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा ऐसे, तो ये होने वाला नहीं है। राम जी कहते हैं मुझे बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है केवट, मैं एक पैर पे खड़ा हूं, मैं कैसे खड़ा होऊंगा। तो अब केवट कितने चतुर हैं, केवट कहते हैं भगवान ऐसा करो अपना हाथ मेरे सर पे रख दो आप,
इस तरह से बैलेंस बनेगा आपका। आप बैलेंस ही बना पा रहे, एक पैर पे खड़े हो, अपना हाथ पकड़ो और मेरा मेरे सर पे रखो ऐसे, और इस तरह से आपका बैलेंस बन जाएगा। और ये देखो ये हो रहा था, तो केवट भगवान के चरणों को हाथों से धो रहे हैं और भगवान ने अपना हाथ केवट के सर पे रखा। और ये लीला भगवान और भक्त की चल रही है। और इस तरह से अंततः केवट भगवान को अपनी नौका में आमंत्रित करते हैं। तो बड़े आनंद से भगवान की नौका को खेते हुए वो नदी पार कराते हैं, और नदी पार कराने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम करते। और भगवान जो है, अब सिस्टम ये था उस समय त्रेता युग में कि जो कोई प्रणाम करे और प्रणाम जो कोई ले रहा है वो अगर आपको उठाए नहीं तो आपको उठना नहीं। 1000 साल पहले तक ये सिस्टम था भारत में, रामानुजाचार्य जी की लीला में ऐसा आता है। दंडवत जब करो तो सामने वाला अगर आपको उठाए नहीं तो उठना नहीं, लेटे रहना है। आज तो बोलना ही नहीं पड़ता, वो आधा छू के पैर छूते नहीं आजकल तो लोग, घुटने तक ही पैर लगा हाथ लगाते हैं और फिर सीधे हो जाते हैं। ये मॉडर्न वर्ल्ड है। तो इधर केवट प्रणाम कर रहे और भगवान उठा रहे नहीं, और लक्ष्मण जी हैरान है कि भगवान राम उठा क्यों नहीं रहे। तो लक्ष्मण जी बोलते, भगवान आप इसे उठाते क्यों नहीं हो। भगवान कहते हैं, उठाऊंगा तो ये पैसे मांगेगा, नदी पार कराने के मेरे पास तो है नहीं कुछ देने के लिए, उठाऊं कैसे इसको मैं। उठते ही कुछ मांगेगा मेरे से, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम की अनदेखी करके केवट को उठा दिया, और केवट कहते हैं, भगवान आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन सीता जी के पास एक ही आभूषण बचा था जब वो निकली थी अयोध्या से बाहर, उनकी मुद्रिका रिंग। तो उन्होंने पहले ही रिंग उतार ली, बोलने की भी जरूरत नहीं, इशारा करने की भी जरूरत नहीं, सीता जी ने रिंग उतार के भगवान के हाथ में रख दी कि ये दे दो, इस नदी पार कराने का जो जो कॉस्ट है वो आप ये मुद्रिका दे दो। और जब केवट ने वो मुद्रिका देखी तो केवट रोने लगे, फूट फूट के, केवट फूट फूट के रोने लगे, उनकी अश्रु धारा बहने लगी। बोला, मैं नहीं लूंगा, मैं आपसे ये नहीं लूंगा। तो राम जी ने बोला, क्या लोगे फिर तुम। बोला, जैसे मैंने आपको पार कराया आप मुझे भव सागर पार करा देना, मैंने आपको नदी पार कराई आप मुझे भव सागर पार करा देना, बस यही मेरा चार्जेस है, यही मेरी कॉस्ट है, मैं इतना ही चार्ज लूंगा। तो राम कहते हैं, तुमने इतनी मेहनत करी, तुम नौका लेकर आए हमारे लिए। तो केवट कहते हैं, लेकिन भगवान आप हमारी नौका चला रहे हो, मैं आपसे कैसा, हम तो सेम बिजनेस में हैं, हम लोगों को जो है नदी पार कराते हैं, आप लोगों को भवसागर पार कराते हैं, हम सेम बिजनेस वालों से कोई चार्ज नहीं करते, हम सब एक ही व्यापार के लोग हैं, हमारा काम भी पार कराना है और आपका काम भी पार कराना है। तो लक्ष्मण बड़े क्रोधित हो रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, भगवान की तुलना कैसे कर रहा है, क्योंकि केवट ने बोल दिया हम तो भाई भाई हैं, हम तो एक ही बिरादरी के लोग हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या अपने आप क्या तुलना कर रहा है, ये क्या बोलता जा रहा है, तो सीमा पार करता जा रहा है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, लोग बोले ही जा रहा है, ये तो बोले ही जा रहा है, क्या कह रहा है ये सब। तो केवट कहते हैं कि भगवान जिसके चरणों को जनक महाराज ने धोया हो उस व्यक्ति से मैं क्या सेवा ले सकता। जनक महाराज ने मिथिला में भगवान राम के चरण धोए, और जनक महाराज इतने महान भक्त माने जाते थे, इतने महान राजा थे। तो केवट कहते हैं, जिसके चरण जनक जैसे राजाओं के द्वारा धोए जाते हो उसे मैं क्या ले सकता हूं। तो राम जी कहते हैं, केवट मैं तुम्हें देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन तुमसे कुछ लेना चाहता हूं। तो केवट ने बोला, ये पूरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। तो राम कहते हैं, मुझे आज्ञा दो, मुझे आगे अपनी लीला के लिए जाना है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त केवट से अपनी इस लीला के बाद प्रस्थान करते हैं। तो इसीलिए भगवान की लीलाएं, भगवान ये लीलाओं को संपन्न करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, ना कि परित्रा नय साधु ना विनाशाय दुष्कृत ना, ये संसार के लिए श्लोक है, भक्तों के लिए नहीं है ये इंस्ट्रक्शन, वर्ल्डली लोगों के लिए है। भक्तों के लिए तो ये है जो भगवान अपने मधुर लीला कर रहे थे। तो इसीलिए
भगवान का अवतरण इस जगत में आना बड़ा विशेष है। भगवान अपने निज धाम को त्याग कर इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, तो वो अपने भक्तों के लिए आ रहे हैं, हमें प्रेरणा देने के लिए। तो 20 लाख साल हो गए इस रामायण को घटित हुए, लेकिन आज भी कितनी जीवंत लगती है, कि कल की घटना समान लगती है, कुछ पुरानी नहीं लगती है, ये पुरातन नहीं है। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति मिले थे, प्रभुपाद ने बोला आप लोग क्या करते हो? तो बोला हम लोग प्रिमिटिव लोगों पे स्टडी करते हैं, पुरातन लोगों पे। तो प्रभुपाद ने कहा वी स्टडी एडवांस पीपल, यू शुड स्टडी एडवांस पीपल, नॉट द ओल्ड पीपल। तो ये वास्तव में ज्ञान जो है, ये जो कथाएं हैं, ये उन्नत लोगों का ज्ञान है। इसलिए उन्नत लोग ही ऐसी कथाओं में आनंद ले सकते हैं। तो भगवान राम व उनकी लीलाएं अत्यंत मधुर है। अगर इसे ज्यादा सुने तो कई बार ऐसा लगता है कि हमें लॉयल्टी शिफ्ट करनी चाहिए, कृष्ण से राम की तरफ लानी चाहिए। कुछ इसमें ऐसा त्याग और ऐसी मधुरता है भगवान की लीलाओं के प्रति। लेकिन बाल्य लीलाओं के लिए तो कृष्ण ही जाने जाते रहेंगे, कोई भी नहीं। भगवान राम की कोई बाल्य लीला नहीं नजर आती। ये तो भगवान जो राम है सीधा बड़े हुए और विश्वामित्र ऋषि उन्हें ले गए और वो सदा से गंभीर रहे। तो विश्व रामायण में भी ज्यादा कुछ दिया नहीं गया, उन्होंने क्या करा अपनी बाल लीला के अंदर, सीधा उन्हें बड़े ही दिखाया गया। तो इसीलिए हर अवतार जो है भगवान के एक अलग उद्देश्य के लिए अवतरित हो रहे हैं, एक अलग उद्देश्य के लिए। और शिला प्रभुपाद जी ने हमें सार ग्राही बनाया, यानी सार को स्वीकार करना, यानी कि वही भगवान मुखौटा बदल कर एक अलग रूप धारण कर कर आए हैं, लेकिन है तो वही केशव धृत राम शरीर, परम भगवान कृष्ण ही। और वो कितना हम सबसे प्रेम करते हैं कि बार बार हमारे जीवन में आ रहे हैं, हमें प्रेरणा देने के लिए कि हम इस जीवन को उनकी सेवा में दे सकें। तो किस तरह से भगवान डेडिकेट कर रहे हैं अपनी पूरी लाइफ बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, तो कम से कम ये जीवन हमें उनकी सेवा में अगर हम समर्पित करें तो कभी धोखे में नहीं रहेंगे। जो परम आनंद और परम सुख हम प्राप्त करेंगे उनकी सेवा से, वो इस संसार में कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस विचार के साथ यहीं विराम दे रहे हैं। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, समीक्षा हो तो कहा जा सकता। कहिए। जय मोहन जी। म्यूट नहीं कर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी, आपने जैसे बताया भगवान के चरणों की रज हमारे रजोगुण को समाप्त करती है, तो चरणों की रज श्रवणम कीर्तनम है इसमें। गुरु की आज्ञा पालन करने से हम भगवान के चरण की रज को अपने मस्तकों पर धारण कर पाते हैं। तो भगवान के चरणों की रज गुरु मुखा पद्म वाक्या चिते ते कोरिया एक्या आर न करी मने आश। तो गुरु के शब्द भगवान के चरणों की रज होते हैं। तो भगवान के चरणों की रज गुरु के शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते। तो अगर कोई गुरु के वाक्यों को अपने जीवन में आत्मसात ना करे तो वो भगवान से इंडिपेंडेंटली रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्या, ये चरण रज है। भागवतम में भी ऐसा श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि भगवान के भक्तों के शब्द महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उनके मस्तक विभूषित रहते हैं भगवान के चरणों की रज से। तो जिसका मस्तक भगवान के चरणों की रज से विभूषित है, उसके शब्दों के माध्यम से ये चरण रज बाहर आएगी और हमारे कानों से प्रवेश करके हमारे हृदय के रजोगुण को समाप्त करेगी। हरे कृष्ण। थैंक यू। प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो यही विराम देंगे आपके कीमती समय के लिए। धन्यवाद। संध्या में विशेष कार्यक्रम शाम को 6 बजे से रामनवमी का पर्व आरंभ होगा, जिसमें भगवान राम सीता लक्ष्मण हनुमान का अभिषेक, राम कथा, राम लीला, नाटिका, कीर्तन, दिव्य प्रसादम, आप सब आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में संध्या में भाग लेने के लिए। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद।